गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? मैं अजयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, और वो अनाउंसमेंट ये है कि हर रोज शाम में 5 बजे हरियाणा GS स्पेशल की क्लासेस आपकी लाइव ली जाती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन लाइव क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। आने वाले हरियाणा और HSSC के सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि किस तरीके से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत के संविधान की विकास गाथा की शुरुआत हुई, और 1935 में अंग्रेजों द्वारा अंत में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। उसके बाद अंग्रेजों की तरफ से कोई भी कानून पास नहीं किया गया। याद रखिएगा, भारत के संविधान का निर्माण कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा ने किया। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो आप याद रखिएगा संविधान का निर्माण कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या हिंदी में किसने किया, संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, चलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा की, तो एक बहुत लंबे समय से भारतीयों द्वारा इस चीज़ की मांग की जाती रही कि उनके लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो 1924 में स्वराज पार्टी ने और पहली बार संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड या मांग रखी थी। याद रखिएगा, स्वराज जो पार्टी थी, इस पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और इसके साथ साथ और उनके सहयोगी चित्तरंजन दास द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। तो इस पार्टी ने और 1924 में पहली बार मांग रखी कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जिससे कि आगे भारत के संविधान का निर्माण किया जा सके। तो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड सबसे पहले 1924 में किसने रखी, स्वराज पार्टी। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि संविधान सभा का गठन कब और कैसे किया गया। 1946 में और भारत में आता है कैबिनेट मिशन। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन। अगर मैं कैबिनेट मिशन की बात करूं, तो कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन जो था वो एक तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, या हिंदी में ये एक आज़ादी की घोषणा था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसके तहत और किसे ये कहा जाता है कि इसके तहत ही भारत में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस या आज़ादी की घोषणा कर दी गई थी, तो वो क्या था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की अगर मैं बात करूं, तो कैबिनेट मिशन के तीन मेंबर थे, तीन सदस्य दल था। ये इसके पहले मेंबर का नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसके पहले मेंबर थे। दूसरे जो इसके मेंबर थे उनका नाम था पैथिक लोरेंस, और थर्ड मेंबर का नाम था ए बी एलेक्जेंडर। तो ये तीन सदस्य एक दल था 1946 में, और इस दल ने ये घोषणा की कि भारतीय अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने आगे चल करके भारत के संविधान का क्या किया, निर्माण। तो क्वेश्चन जब आपसे ये राइज होता है कि संविधान सभा का निर्माण किसकी रिकमेंडेशन या सिफारिश पर हुआ, तो याद रखिएगा, भारत की संविधान सभा का निर्माण
कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। कैबिनेट मिशन की किस पे हुआ? सिफारिश पे। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 में भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा की क्या की गई? स्थापना। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो इसके लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ये कहा कि जब तक भारतीय अपने लिए संविधान सभा का निर्माण करते हैं और जब तक संविधान नहीं बना पाती है तब तक अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 ही संविधान के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ साथ इन्होंने उस समय पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान की डिमांड को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। इन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान एक ही राष्ट्र के रूप में अपनी एक ही संविधान सभा का निर्माण करेंगे। यही कारण था कि मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। तीसरा, कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण किया जाएगा तो इसके लिए 1946 में भारत में इलेक्शंस या चुनाव करवाए जाएंगे ताकि सभी लोगों को रिप्रेजेंटेटिव मिले जो उनकी तरफ से और संविधान सभा का हिस्सा बने। एक्चुअली सभी लोग तो भारत का संविधान बनाने में अपना सहयोग नहीं दे सकते थे, इसीलिए संविधान सभा ने क्या किया, उसने मोटे तौर पर भारत को उस समय दो भागों में बांट दिया। एक भाग उन्होंने और धर्म के आधार पर किया जिसमें उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्यों को रखा ए बी और सी कैटेगरी में, और दूसरी कैटेगरी में उन्होंने 10-10 लाख की पॉपुलेशन के ग्रुप्स बना दिए। और उन्होंने कहा कि ये जो 10 लाख की पॉपुलेशन है ये अपने यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी और उसमें से एक व्यक्ति को इलेक्ट करके भेजेगी और वो एक इलेक्ट व्यक्ति उन 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ पर? संविधान सभा में। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के तहत और 1946 में क्या कंडक्ट करवाए गए? इलेक्शन। क्यों कंडक्ट करवाए गए? ताकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जा सके। ठीक है, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था पूरी तरीके से। और इसके साथ साथ एक चीज और, अंग्रेजों की हमेशा पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत पहली बार ये व्यवस्था की गई कि जो देसी रियासतें जो छोटी छोटी उस समय भारत में 500 से अधिक देसी रियासतें थी, उनके पास ये राइट है कि वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का हिस्सा बने और चाहे तो भारत की संविधान सभा का हिस्सा ना बने। इसी के कारण आगे चल करके जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर और हैदराबाद की देसी रियासतों ने भारत में विलय होने से मना भी कर दिया था। उसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा संविधान सभा के जो इलेक्शंस थे उनको कैबिनेट मिशन की तरफ से कंडक्ट करवाया गया था। कब? 1946 में। चलेगा, 3 मेंबर थे। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स थे। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? 389। मैंने लिखा 292, 93 और 4। इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये आपका 380 क्या आएगा? 9। तो किस तरीके से इन 389 सदस्यों का चुनाव किया गया था? 292 जो सदस्य थे वो इलेक्टेड मतलब वो चुनकर आए थे। जैसा कि मैंने बताया कि 10 लाख की एक मोटी सी पॉपुलेशन के लिए और एक इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए और उनके एक प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति चुनकर के आगे आया, तो इस तरीके से 292 जो सदस्य थे वो निर्वाचित थे। याद रखिएगा इन्होंने इलेक्शन फाइट किया और वहां से ये जीत करके आए। अच्छा, इसके अलावा भारत में छोटी छोटी देसी रियासतें भी थी। उन देसी रियासतों ने ये कहा कि
सरकार जो उस समय थी अंतरिम सरकार, वो वहाँ पर इंटर्म गवर्नमेंट जो थी वो वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट ना करवाए, क्योंकि एक तरीके से वो उस राजा का अपमान था कि राजा के होते हुए और वहाँ पे क्या हो रहे हैं चुनाव। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को वैसे ही भेज देंगे विदाउट इलेक्टेड, नॉमिनेट कर देंगे, नामांकित कर देंगे, और वो हमारी संपूर्ण रियासत को नॉमिनेट नाम वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये जो 93 सदस्य थे ये देसी क्राउन या देसी रियासतों से आए थे, और याद रखिएगा इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुए थे, ये सभी के सभी मेंबर्स क्या थे, नॉमिनेटेड नामांकित मेंबर थे। चार जो मेंबर्स थे ये कमिश्नरी प्रांतों से आए थे, कमिश्नरी प्रांत वो प्रांत थे जो ब्रिटिशर्स के अधीन थे। तो बेसिकली इन चार जगहों से, कमिश्नरी प्रोविंस से, और चार लोगों को नॉमिनेट किया था किसने, ब्रिटिशर्स ने। और ये चार कमिश्नरी प्रांत उस समय कौन कौन से थे याद रखिएगा, एक था आपका दिल्ली, एक था आपका अजमेर, एक था आपका कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, और जो थर्ड था, फोर्थ था, वो आपका था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, इन चार कमिश्नरी प्रांतों से। और नॉमिनेट किया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये इलेक्टेड थे और इनको देसी रियासतों से नॉमिनेट किया गया था। तो इस तरीके से संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, 389। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि इन 389 सदस्यों में से जो 15 सदस्य थी वो वोमेंस या आपकी क्या थी, महिलाएं। बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की कितनी सदस्य महिलाएं थी, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, ऐसी ही कुल 15 महिलाएं ऐसी थी जो उस समय संविधान सभा के क्या थी, सदस्य। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट ये भी आप इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, इसमें से 33 मेंबर्स जो 23 सदस्य थे वो सदस्य शेड्यूल ट्राइब या हिंदी में अनुसूचित जनजातियों से थे। वो कहाँ से थे, शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित किससे थे, जनजातियों से, और बाकी जो सदस्य थे वो सामान्य वर्ग से थे। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, ठीक है। टोटल मेंबर कितने थे, 389। आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलेगा। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जो संविधान सभा के कुल सदस्य थे वो कितने थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुल सदस्य थे वो थे 389। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं 3 जून 1947 की। 3 जून 1947 ये वो टाइम पीरियड था जब भारत माउंटबेटन प्लान या हिंदी में माउंटबेटन योजना आई थी, माउंटबेटन योजना। अगर हम बात करें माउंटबेटन योजना, इसे लॉर्ड माउंटबेटन लेके आए थे, ये क्या था, ये योजना थी जिसके तहत भारत को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा कहलाया आपका पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा क्या कहलाया, भारत। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि जो पाकिस्तान देश बनेगा, पाकिस्तान की अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या हिंदी में संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। पाकिस्तान की अपनी खुद की असेंबली होगी जो उस देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। यही कारण था कि जब पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन किया गया 1947 में, तो भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनकी संख्या घटकर के कितनी रह गई, 299। मतलब जो 90 मेंबर्स थे, जो 90 सदस्य थे, अब वो किस में चले गए, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। और इन 299 मेंबर्स में से भी 229 मेंबर्स तो वो थे जो इलेक्टेड थे, जो चुनाव जीत करके आए थे, और इसके साथ साथ जो 70 मेंबर्स थे वो मेंबर्स देसी रियासतों द्वारा
क्या किए गए थे, नॉमिनेटेड नामांकित किए गए थे। तो इस तरीके से कुल सदस्य बच गए 299, जबकि पहले ये कितने थे 389। 90 सदस्य अब किसमें चले गए, पाकिस्तान। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ आ रहा होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया। बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, लेकिन आंशिक रूप से पार्शियली लागू कर दिया गया था कब, 26 नवंबर। मतलब 26 नवंबर को जब संविधान बनकर के तैयार हो गया था, तो उस समय इन 299 सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर क्या करने थे, हस्ताक्षर, क्योंकि यही उस समय संविधान सभा के क्या थे, सदस्य। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को इन 299 सदस्यों में से ओनली 284 मेंबर्स आर एवेलेबल टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन 299 में से 284 ही ऐसे सदस्य थे जो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए उस दिन उपस्थित थे। तो जो बाकी मेंबर्स हैं, अगर हम बात करें तो बाकी 15 मेंबर्स थे, वो बेसिकली कहाँ गए, ये 15 मेंबर्स वो मेंबर्स थे जो कुछ मेंबर्स उस दिन आ नहीं पाए, उनके कुछ अपने व्यक्तिगत कारण रहे थे, उन्होंने बाद में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज करके या खुद आकर के संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। जबकि कुछ देसी रियासतें या राजा महाराजा ऐसे भी थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर करने से ही क्या कर दिया, मना, और उनमें जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद की रियासतें शामिल थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आपको क्लास समझ आई है तो आप मेरे को एक चीज़ बताइएगा कि हम आज की फर्स्ट क्लास को कंक्लूड करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं आया, जबकि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के जनक के रूप में तो भीमराव अंबेडकर को ही जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये बेटर कंटेंट पहुँच सके। और इसी के साथ हर रोज शाम में 5 बजे तैयार रहिएगा हमारी हरियाणा GS की स्पेशल लाइव क्लासेस के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।